प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको जय यीशु की। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हमने कल आपसे कहा था कि हम एक बार फिर से प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उसे धन्यवाद दें कि वो हमसे हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी आराधना करते रहें, मेरी महिमा स्तुति करते रहें। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आए आज हम प्रभु यीशु की आराधना, उसकी वर्शिप करें और प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारी जिंदगी में हमें एक और नया दिन आज दिया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन ऐसे थे जो आज इस संसार में नहीं है, जो एक्सीडेंट, दुख, तकलीफ, बीमारियों के कारण आज इस संसार में नहीं है। सो आए आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बेहद प्यार करता है। क्योंकि इससे ये साबित होता है कि आज हम जीवित है, प्रभु ने हमें आज का दिन दिया हमारी जिंदगी में, प्रभु हमसे बेहद प्यार करते हैं। आए आज हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करें, उसकी वर्शिप करें, उसे धन्यवाद दें। सो आए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आज आपने हमारे जिंदगी में एक और नया दिन दिया यीशु राजा, उसके लिए हम आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु। जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु यीशु, उन सबको मैं आपकी पवित्र हजूरी में समर्पित करता हूँ यीशु राजा। प्रभु आप जीवित परमेश्वर है यीशु राजा, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे यीशु राजा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ प्रभु यीशु। हम सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज उन लोगों को आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ, आज मैं उन भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ यीशु राजा। प्रभु जो आपके नाम की खातिर प्रभु दुख सह रहे हैं यीशु राजा, जिन्हें आपके नाम की खातिर प्रभु लोग मजाक उठाते हैं, जिनका जो लोग आपसे प्यार करते हैं यीशु राजा, आपका पवित्र वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु यीशु, और प्रभु बहुत सारे लोग उनके रास्ते में रुकावट बने हुए हैं यीशु राजा। प्रभु बहुत सारे भाई बहन प्रभु जो आपके बच्चे हैं यीशु राजा, दूसरे लोग बहुत उन्हें दुख देते हैं यीशु राजा, प्रभु आज मैं उन सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूँ यीशु राजा। आपने हमें सिखाया है प्रभु यीशु राजा कि अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करें, अपने वैरियों को माफ करें प्रभु, जो आपके लोगों को तंग करते हैं प्रभु, जो आपके बच्चों को सताते हैं प्रभु, प्रभु उन सबको मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ यीशु, उन सबको माफ कर यीशु, उन सबको माफ कर यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और अपने स्वर्ग राज्य में कबूल किया प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ओ तेरी स्तुति करता हूँ मैं।
से तेरी तो इस गोबर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हाले लूया हाले पवित्र हजूरी में आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। हम आपकी आराधना करते हैं यीशु। प्रभु जितने भाई बहन आज इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े प्रभु यीशु, उन सबको मैं आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ यीशु। पर तेरी दया दृष्टि हो यीशु, उन सब पर तेरा अनुग्रह हो यीशु, उन सब को तेरा पवित्र आत्मा छू जाए यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं,
घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु मेरा पिता। हाले हाले लूया हाले लूया हाले लूया हाले हाले लूया हाले लूया हाले लूया हाले हाले लूया हाले लूया हाले करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हाले लूया हाले लूया हाले लूया हाले हाले लूया हाले लूया हाले लूया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आज जितने भी भाई भाई
हमारे साथ इस वर्शिप में जुड़े हैं प्रभु यीशु। आपकी दया दृष्टि के अनुसार प्रभु यीशु, उन सब घरों में प्रभु आपकी आशीष है। थैंक यू जीसस, तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक भाई बहन पर उतरा है यीशु। तेरा अनुग्रह प्रभु हर एक जन को शिव जाए प्रभु यीशु, जो इस समय हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु। उनमें से जो लोग बीमार है यीशु, तेरा अनुग्रह उन्हें शिव जाए प्रभु। जिन लोगों के पास प्रभु खाने को भोजन नहीं है प्रभु, तेरा अनुग्रह उन सबको शिव जाए प्रभु। जिन भाई बहनों के पास प्रभु औलाद नहीं है यीशु, तेरा अनुग्रह उन सबको शिव जाए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु हम पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आपने कहा अगर आप विश्वास से जो कुछ भी मेरे से मांगोगे मैं आपके लिए जरूर करूंगा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो यीशु। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु, आपके लिए सब कुछ संभव है प्रभु। आज होने दे प्रभु यीशु, तेरा अनुग्रह हर एक भाई बहन को छू जाए प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु हमें अपने प्यार में और भी गहरा करो यीशु। हमारी रोगों में दौड़ने वाला खून का एक कतरा भी आपके लिए यीशु रसा। प्रभु जो लोग प्रभु आपके बच्चों को आपके दासों दासियों को प्रभु तंग करते हैं प्रभु, सताते हैं प्रभु यीशु, उन सबको प्रभु मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूं प्रभु। आज उनकी जिंदगी को उनके जीवन को बदल दे प्रभु, और उन्हें माफ कर यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु अब समय आपकी मीठी आवाज को सुनेगा, आपके पवित्र वचन को सुनेगा प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु तू अजीब चंगे कार्य कर यीशु, अजीब चंबे कार्य कर यीशु। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारे भाई बहन प्रभु अपनी बीमारी से आजाद हो सके। आज के वचन के द्वारा प्रभु बहुत सारे भाई बहन प्रभु आपको ग्रहण कर सके प्रभु यीशु। जो लोग प्रभु आपके रास्ते से भटक गए यीशु, आज के पवित्र वचन के द्वारा प्रभु वो लोग फिर से अपने आपके रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आज का वचन प्रभु हमारी जिंदगी में बहुत सारा फल लेके आए यीशु। प्रभु जब आपकी वाणी का अकाल पड़े यीशु, उस समय ये वचन हमारे काम आए यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और अपने स्वर्ग राज्य में कबूल किया प्रभु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र वचन में से देखते हैं संत लूक उसका 6 अध्याय और उसकी 27 आयत। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे वैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है
दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी लेने दो। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या? पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा ना रखकर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी दुष्टों पर दया करता है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने प्रभु यीशु के पवित्र वचन में से देखा, प्रभु यीशु कहते हैं अपने शत्रुओं से प्यार करो। जो लोग तुम्हारे साथ वैर रखते हैं उनसे प्यार करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, प्रभु यीशु कहते हैं। जो आपको शाप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। जो आपके एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। आगे प्रभु यीशु कहते हैं अगर तुम उन्हीं लोगों से प्यार करते हो जो आपको करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी लोग भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप उन्हीं को अपनी वस्तुएं देते हैं जो आपको देते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या? आज हमने प्रभु यीशु के वचन में से ये सब सुना मेरे भाई और बहन। आज का प्रभु यीशु का बहुत ही प्यारा सुंदर वचन है हमारी जिंदगी में। प्रभु इतना अच्छा आज प्रभु ने हमारी जिंदगी में हमें वचन दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आए हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु के प्यार में और भी बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु के रास्ते में और भी आगे बढ़ने के लिए। प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं कि आप लोग जगह जगह जाकर मेरे नाम का सुसमाचार सुनाएं। आए प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में अपने आप को समर्पित करें और प्रभु यीशु के सामने प्रार्थनाएं करें। स्वर्गीय पिता, हम आपकी हजूर में आते हैं प्रभु यीशु। आज हमने प्रभु आपके पवित्र वचन में से सुना प्रभु कि अपने वैरियों के लिए प्रार्थनाएं करो, जो आपको शाप देते हैं प्रभु उनको आशीर्वाद दो, और जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो आपके एक गाल पर थप्पड़ मारते हैं दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दो। प्रभु हमें इन वचनों पर चलने की आज्ञा दो यीशु। प्रभु मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, ये शक्ति नहीं है प्रभु कि आपके वचनों की पालना कर सकूं प्रभु, लेकिन तू महान है प्रभु। आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते प्रभु। आज प्रभु जितने भाई बहनों ने ये वचन सुना है प्रभु तो उनकी जिंदगियों में कार्य करे यीशु प्रभु, उन सब को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर दे प्रभु, ताकि वो आपके इस वचनों के द्वारा प्रभु अपना जीवन अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें प्रभु। जो भाई बहन आज इस समय हमारे साथ प्रार्थना में बने हैं प्रभु, उन सब के लिए प्रभु अपने आत्मा को भेजो प्रभु, ताकि आपके वचनों की पूरा करने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ्य उन्हें छू जाए प्रभु। थैंक यू जीसस, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें भी अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करने का वरदान दो यीशु।
हमें भी अपने वैरियों को माफ करने की शक्ति प्रदान करिए यीशु। जो आस पड़ोस के लोग प्रभु हमें तंग करते हैं यीशु, उन्हें क्षमा करने की हमें सामर्थ्य दो यीशु। उनके लिए प्रार्थना करने का वरदान दो यीशु। उसके लिए अपने पवित्र आत्मा को भेज यीशु, अपनी सामर्थ को भेज प्रभु, ताकि हर एक भाई बहनों को छू जाए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। यही कुछ मांगते आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, टेलीफोन कॉल द्वारा, एसएमएस द्वारा बहुत सारे भाई बहन हमसे प्रार्थना की मांग करते हैं। जब हमारी प्रार्थना टीम उनके लिए प्रार्थना करती है, तो प्रभु यीशु उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में बहुत सारे अचंभे कार्य करते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हमसे द्वारा कॉल या मैसेज करके हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु ने उनकी जिंदगी में मिरेकल किया। अगर आप लोग भी हमारे साथ इस प्रार्थना में, इस वर्शिप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थनाएं की जाएगी। कल हम फिर इसी समय हम सब मिलकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे, प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। सबको जय यीशु की।